समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। परंपरा के मुताबिक अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित पूरे यादव परिवार ने शुद्धिकरण संस्कार में भाग लिया, लेकिन मुलायम सिंह यादव की 13वीं के आयोजन को लेकर यादव परिवार ने मना कर दिया। दरअसल परंपरा के मुताबिक सैफई में 13वीं संस्कार नहीं होता है, लिहाजा अंत्येष्टि के 11वें दिन के बाद शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सैफई और इसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र की ये परंपरा है कि 13वीं संस्कार यानी मृत्यु भोज की परंपरा का बहिष्कार किया जाता है। कहा जाता है कि इससे गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है, लिहाजा आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी 13वीं संस्कार का आयोजन नहीं करता, ताकि समाज के अन्य लोगों को भी इसे करने के लिए बाध्य न होना पड़े। मृत्यु भोज जैसी परंपरागत रीति रिवाज को समाप्त करने का श्रेय जाता है नेताजी के मित्र राज्यसभा सांसद रहे बाबू दर्शन सिंह यादव को, जो मुलायम सिंह के संघर्ष के दिनों में बतौर मित्र हमेशा साथ रहे। बाबू दर्शन सिंह को नेता के साथ साथ समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने समाज में फैली तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, जहां उन्होंने इटावा, मैनपुरी, कन्नौज समेत कई जिलों में दहेज, मृत्युभोज और नशा का खुलकर विरोध किया। उन्होंने 13वीं के स्थान पर शांति पाठ कराने का प्रयास किया। काफी संघर्ष के बाद उनकी पहल रंग लाई और इटावा समेत कई जिलों में मृत्यु के बाद भोज के स्थान पर शांति पाठ कराना शुरू किया गया। वे खुद भी शांति पाठ कराने जाते थे। बाबू दर्शन सिंह यादव ने केंद्रीय समाज सुधार समिति के जरिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कई जिलों में मृत्यु भोज के खिलाफ अलख जगाई। यादव समाज के बीच 13वीं पर मृत्यु भोज न करने का अभियान दर्शन सिंह ने छेड़ा था। यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव की 13वीं भोज की जगह शांति पाठ का आयोजन किया जाएगा।